स्पेशल फूड कॉर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्च का अचार। मिर्च का अचार नॉर्मली खाने में हमें बनाते हैं जब हम, तो इसे खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है एक हफ्ते तक के बाद अचार गलेगा, उसके बाद हम खाएंगे। लेकिन आज का जो अचार मैं बनाने जा रही हूँ वो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और आप इंस्टेंट इसको खा सकते हैं। और नॉर्मली ये अचार बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूं, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि प्लीज अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिर्ची ली है हमने 1 पाव की करीब मिर्ची, हरी मिर्ची, इस तरह से अचार की मिर्ची है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 चीज़ों से हम मिर्ची को बनाएंगे टेस्टी और स्वादिष्ट। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं नमक, 1 चम्मच के करीब नमक है। और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया हमारा मसाला रेडी, है इस साइड पे कर देते हैं। और इन मिर्चियों में इस तरह से चाकू की मदद से कट लगा लें, ये आप देख सकते हो इस तरह से नोक तक। यहाँ से एक और दिखा देती हूँ मैं आपको, ऐसे इसके किनारे तक किस तरह से कट लगाना है। इसी तरह हम सारी मिर्चियों को कट लगा लेंगे। मिर्ची हमने कट लगा लिया, अब हम इसमें इस मसाले को इस तरह से फिल करेंगे। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा फिल करना है, क्योंकि हमें इसे अचार नहीं बनाना है, बस अचार का टेस्ट देंगे। इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला भरेंगे, चम्मच की मदद से आप भर सकते हैं। देख सकते हैं आप मैं कितना भर रही हूँ, इतना इतना मसाला इसमें भर सकते हैं। मिर्ची हमने सारी मसाला डाल के रख ली है। अब एक तरफ हम कढ़ाई में तेल ले लिया है, ये तेल हमें इतना ही लेना है जितना हम नॉर्मल एक सब्जी बनाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, उतनी ही मात्रा में ऑयल लेना है, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। इसी में हमारी मिर्ची बनकर रेडी हो जाएगी। तो तेल गर्म होने दें, अच्छी तरह गर्म हो गया, जितना सब्जी बनाने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है गर्म। अब हम इसमें सारी मिर्चें जो हैं अच्छी तरह से गल चुकी हैं, उनका कलर भी चेंज हो गया। और हम इसको छन्नी में मैंने इस मिर्ची को रख दिया है 2 मिनट के लिए। छन्नी को इसी तरह से कढ़ाई पर रखें जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारा कढ़ाई में आ जाएगा। ये देखिए मिर्ची बनकर तैयार है। इसे अच्छी तरह से ठंडा करके हम 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं और देखिए खाने में बहुत अच्छी लगती है। हमने कितनी आसानी से 2 मिनट में मिर्च का अचार बनाकर तैयार किया और इसमें वही चीज़ों का इस्तेमाल किया, नमक और आमचूर। तो ये आप भी उसको अगर ट्राई कीजिएगा और कमेंट से मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तब तक के लिए गुड बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।